अरब में एक शहर था जिसमें बहुत सारी पेट्रोल की खदानें और फैक्ट्रियां थीं। देश विदेश से लोग फैक्ट्रियों में काम करने आते थे। गोपाल नाम का एक हिंदुस्तानी भी पेट्रोल फैक्ट्री में काम करता था। उस फैक्ट्री में एक अरेबिक लड़की भी काम करती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। गोपाल का दिल लड़की पर आ गया। उसने लड़की को प्रपोज किया और उससे शादी करके अपनी पत्नी बना लिया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन गोपाल की पत्नी खून की उल्टियां करने लगी। गोपाल उसे अस्पताल लाया तो डॉक्टर बोला, तुम्हारी पत्नी को एक जानलेवा बीमारी है, वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर दुखी गोपाल दिन भर रोता रहा। दिन प्रतिदिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती गई। एक दिन उसने गोपाल से कहा, मैं मरने वाली हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और पेट्रोल बेचो। सुना है वहाँ पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है। मैं तो गरीब हूँ, पेट्रोल पंप कैसे खोलूं? तुम चिंता ना करो, ये लो। पत्नी ने उसे एक बीज दिया और बोली, ये जादुई बीज है, हिंदुस्तान जाकर इसे बो देना, पेट्रोल का पेड़ उगेगा जिसे बेचकर हमेशा खुश रहना। ऐसा कहकर वो मर गई। गोपाल ने उसका अंतिम संस्कार किया और पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने हिंदुस्तान लौट आया। अपने गांव आकर गोपाल ने वो बीज अपने घर के पीछे बो दिया। बीज तो बो दिया, पता नहीं पेड़ कब उगेगा, पेट्रोल कब मिलेगा और तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। सोच में डूबा गोपाल अपने घर आकर सो गया। सुबह आँख खुली तो उसे पेट्रोल की महक आई। पेट्रोल की महक, ये तो घर के पिछवाड़े से आ रही है। तो देखकर चकित हो गया। रातों रात घर के पीछे तेजस्वी पेट्रोल का पेड़ उग आया था। एक डाली पर एक तेजस्वी फल भी लटक रहा था जिसमें से पेट्रोल की महक छूट रही थी। ये सिर्फ पेड़ नहीं, मेरी पत्नी की आखिरी निशानी भी है। गोपाल ने पेड़ को एक छेद किया तो छेद से पेट्रोल की एक धारा बहने लगी। ये पेट्रोल बेचकर मेरा गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल की महक पूरे गांव में फैल गई। सारा गांव पेट्रोल के पास इकट्ठा होकर आश्चर्य जताने लगा। पेट्रोल का पेड़, क्या करिश्मा है बताओ गोपाल, कितने पैसे लीटर बेचोगे? मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, सिर्फ अपना गुजारा करना है। जितना तुम दे सको उतनी धनराशि दे देना और जितना चाहे उतना पेट्रोल भर लेना। फिर क्या था, पेट्रोल के पेड़ के नीचे पेट्रोल भरवाने वाले वाहनों की लाइन लग गई। लोग गाड़ी की टंकी फुल कराने लगे और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल को पैसा देने लगे और गोपाल का गुजारा होने लगा। उस गांव में लाला लल्लन नाम का एक सेठ रहता था जिसका एक पेट्रोल पंप था। गोपाल के पेट्रोल के पेड़ की वजह से उसके पेट्रोल पंप पर कोई भी पेट्रोल भरवाने नहीं आता था। वो परेशान हो गया। एक दिन लाला लल्लन ने गोपाल से मीटिंग फिक्स की और बोला, गोपाल ये पेट्रोल का पेड़ मुझे बेच दो। ये पेड़ मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, नहीं बेच सकता। लाला कुछ सोच कर बोला, पेड़ नहीं, कम से कम इस पेड़ का बीज ही बेच दो। मैं जानता हूँ लाला जी, मेरे इस पेड़ की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा कहकर गोपाल ने पेड़ से चमचमाता फल उतारा और लाला को सौंप दिया। इस फल में पेड़ का बीज है, ले जाइए, पैसे नहीं लूंगा। लाला लल्लन वहाँ से चला गया और रात को अपने आदमियों के साथ पेट्रोल पेड़ के पास पहुँचा और पेड़ को आग लगा दी। बड़ा सा धमाका हुआ और पेड़ जलने लगा। गोपाल वहाँ पहुँचा तो पेड़ को जलता देखकर रोने लगा। लाला, मैंने आपको बीज दे दिया था, फिर ऐसा क्यों किया? बेवकूफ, पानी के मोल पेट्रोल बेचोगे तो मेरे पास कौन आएगा, इसलिए पेड़ जला दिया। अब बीज भी मेरे पास है और दाम भी, देखना पेट्रोल का पेड़ उगाऊंगा और अमृत के दाम बेचूंगा। लाला लल्लन घर आया। घर आते ही उसने फल काटा,
उसमें से एक बीज निकला। बीज निकाल कर लालो ने अपने आंगन में बो दिया और पेड़ का इंतजार करता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई, लेकिन पेड़ जमीन से बाहर नहीं आया। परेशान लाला लल्लन भागते भागते गोपाल के पास आया। तुम्हारा पेड़ तो रातों रात उगा था, मैं बीज गाड़ कर बैठा हूँ और पेड़ बाहर ही नहीं आ रहा, बोलो कैसे? गोपाल मन ही मन सोचने लगा, मेरी अच्छाई का इसने फायदा उठाया, धोखे से बीज भी हड़प लिया और मेरा पेट्रोल पेड़ भी जला दिया। अच्छा मौका है इसे सबक सिखाने का। फिर गोपाल ने लाला लल्लन से कहा, लाला जी पेट्रोल का पेड़ है सीता फल का नहीं, बीज निकालो और जलते चूल्हे में आधा घंटा डाल दो, गरम गरम बीज को जमीन में दफना दोगे तो पेड़ बाहर आ जाएगा। ये सुनकर लाला लल्लन भागते हुए घर आया। उसने गड्ढे से बीज निकाल लिया और घर में आकर चूल्हे में डाल दिया। जैसे ही बीज चूल्हे में गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके से लाला लल्लन लाले लाल होकर जलता हुआ मर गया। महाराष्ट्र में बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता था, इसीलिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था। गांव के घरों में सरकारी टंकियां लगी हुई थी, जिनमें सुबह शाम निश्चित समय के लिए ही पानी आता था। माँ देखना जरा, बाल्टियाँ टब सब खाली है, बराबर वाला सोनू आज फिर हमारे पानी से नहाकर भाग गया। तू सोनू के घर पर कपड़े लेकर जा, वो हमारा पानी खर्च कर गया तो उसका पानी खर्च करके आना। पड़ोसी के घर कपड़े धोना चाहिए, धोना आए या ना आए लेकिन धोना चाहिए। प्रियंका अपने कपड़े हमारी टंकी पर क्यों धो रही हो? हाय राम, तुमने तो आधा पानी खर्च भी कर दिया। ओहो गौरी बुआ, मैंने कपड़े धो लिए तो हाय राम, और सोनू जो आए दिन हमारी टंकी पर नहाकर चला जाता है उसका क्या? सोनू नौकरी पर जाता है, तुम्हारी तरह खाली नहीं है, और नहाने में ज्यादा से ज्यादा आधा बाल्टी पानी खर्च होता होगा। आधी बाल्टी पानी खर्च होता तो कोई परेशानी नहीं थी, तुम्हारा लड़का सारी बाल्टियाँ और टब खाली कर देता है। लो बेटी के पीछे अब माँ भी लड़ने आ गई। प्रियंका और सोनू के परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे, पानी के पीछे अक्सर उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। प्रियंका के पिता नहीं थे, दोनों माँ बेटी दिए मटके और मिट्टी के बर्तन बनाकर खर्चा चलाती थी। सुनिए जी, किसी तरह से ये माँ बेटी की इस गांव से छुट्टी करा दीजिए, फिर बराबर वाला घर भी हमारा हो जाएगा और हम बड़ी जगह में रह पाएंगे। तो सोनू की प्रियंका से शादी करवा देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ हमारा सोनू इतना पढ़ा लिखा और कहाँ वो प्रियंका पांचवी पास, वो हमारे सोनू के लायक नहीं है। और वैसे भी मैं तो अपने सोनू की शादी किसी अमीर घर में करूँगी, हमें बस उनका घर चाहिए। कुछ ऐसी चाल चलिए कि ये माँ बेटी गांव छोड़कर ही चले जाएं। ये तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन गौरी प्रियंका के घर गई। प्रियंका तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माल पहुँचाने बाजार गई है। ये लो खीस, मेरे मायके से आया है, बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे घर दे दूं। ये बात ठीक है कि हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर हो तो तुम हमारी पड़ोसी ही ना। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका और उसकी माँ की आँख अपने घर के बाहर हो रहे शोर से खुलती है। प्रियंका
हमारे घर के आगे इतना शोर क्यों हो रहा है? दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनू की माँ गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, गांव वालों, अब हमारे गांव में चोरियां भी होने लगी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोने के कंगन बनवा कर लाई थी और वो इस प्रियंका और उसकी माँ ने चुरा लिए। किन कंगनों की बात कर रही हो? हमने तुम्हारी कोई कंगन नहीं चुराए। तो ठीक है, हमें अपने घर की तलाशी ले लेने दो। हाँ हाँ, पूरे घर की तलाशी शौक से लो, हमें कोई डर नहीं है। गांव वाले प्रियंका के घर की तलाशी लेते हैं। गौरी बिस्तर के नीचे से कंगन निकाल लेती है। ये देखो गांव वालों, ये रहे कंगन, अब तो कुछ भी कहना बाकी नहीं रह गया। हम चोरों को गांव में नहीं रख सकते। हाँ हाँ, ठीक कहा भाई, इन्हें गांव से बाहर निकालो। सारे गांव वाले मिलकर प्रियंका और उसकी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, जीतू मामा के यहाँ चलते हैं। प्रियंका और उसकी माँ गर्मी में पैदल चलने लगे। माँ, वो देखो एक टंकी, चलो उसी से पानी पीते हैं। प्रियंका ने जब टंकी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टंकी से तरल सोना निकल रहा था। हाय राम, गांव वाले तो इस टंकी को खराब समझते थे, लेकिन इसमें से तो सोना निकल रहा है। माँ, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। टंकी से निकले सोने की सहायता से प्रियंका और उसकी माँ एक बड़ा घर बना लेते हैं और पूरी शान शौकत से रहने लगते हैं। प्रियंका की अमीरी की बात पूरे बसंतपुर में फैल गई। सुनिए जी, हम प्रियंका की माँ से जाकर माफी मांग लेते हैं। हम अपने सोनू की शादी प्रियंका से कर देते हैं, फिर उनकी जादुई टंकी, बड़ा मकान सब हमारे हो जाएंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ, हम उसे भूल कर आपसे माफी मांगने आए हैं। प्रियंका और सोनू साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं, क्यों ना उनका विवाह कर दिया जाए। विवाह की बात तुम्हें उस समय याद क्यों नहीं आई जब हम गरीब थे? पहले हम तुम्हारे लायक नहीं थे और अब तुम लोग हमारे लायक नहीं हो, निकल लो यहाँ से। अमीरी का इतना घमंड, सोना देने वाली टंकी पर इसका घमंड टिका हुआ है। उस टंकी की पाइपलाइन कहीं से तो आती होगी, उसे तोड़ डालूंगी, फिर देखती हूँ किस चीज पर घमंड करेगी। एक रात गौरी अपने पति के साथ प्रियंका के घर के पीछे वाले जंगल में जाती है। वो और उसका पति खुदाई करना शुरू करते हैं। ये रही टंकी की पाइपलाइन। गौरी कुल्हाड़ी से पूरी पाइपलाइन तोड़ फोड़ कर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है कल रात हमने जो पाइपलाइन तोड़ी थी वो सोने वाली टंकी की पाइपलाइन नहीं बल्कि गांव में आ रहे पानी की पाइपलाइन थी। गांव में पुलिस आती है और पानी के पाइपलाइन तोड़े जाने की जांच करती है। गौरी और उसका पति पकड़े जाते हैं। उन्हें पानी के पाइपलाइन तोड़ने के जुर्म में जेल हो जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दुष्ट लोग दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।